हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पश्चाताप। यह जीवन संग्राम कितना कठिन है। कभी निराशा और कभी आशा इस जीवन से खिलवाड़ करती रहती है। आशा निराशा के दो रंगों से सारा संसार सजा हुआ है। प्रकृति का यह खेल कितना सुंदर और विचित्र है। नैया के संग तूफान बना दिया, मिलन के साथ जुदाई। चांद को सदा सूर्य ढूंढता रहता है और मैं भी उस प्रीतम को ढूंढ रही हूँ जो मेरा नहीं हो सका, जो मेरे अंग अंग में समा गया है, जिसे मैं कभी घृणा करती थी और वह मुझे प्यार करता था, जिसे याद करके कभी कभी बैठे बैठे ही मेरा हृदय पीड़ा से भर जाता। उमस से भरकर पुराने बाग हरे हो जाते और मैं दुख से छटपटाने लगती, जिसकी याद अब भी मेरे सीने में आग लगा देती है, जिसके मीठे मीठे बोल अब भी कानों में गूंजते हैं, जिसका चांद सा मुखड़ा अब भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। कहाँ गए मेरे सपने, कहाँ गया मेरा प्रेम भरा संसार। भूतकाल की यादें अंगारे बनकर मेरे सीने पर लौट रही हैं और मैं जुदाई की आग में जल रही हूँ। वह दिन मैं आज तक नहीं भूल सकी जब मेरे लिए सभी सुख सुलभ थे। मेरी प्राप्ति के लिए उसने कितनी विफल चेष्टाएँ की, कितनी रातें आँखों में बिताई, कितने पल बेचैनी से काटे, कितना वैभव दान किया, कितने बार मृत्यु को निमंत्रण दिया, पर मेरे गर्वित मन की छाया तक को वह छूने सका। जितनी ही मैं उससे दूर खींची उतना ही वह मेरे समीप आता गया। मेरा कठोर मन एक बार भी तो न पसी सका था। वह मेरी प्रतीक्षा में घंटों खड़ा रहता था, उस मार्ग पर आंखें जमाए रहता था जहाँ से मुझे गुजरना होता था। उसके प्यासे होठ मुझसे बात करने को तरस ही तो गए थे। मानव प्रकृति में एक विशेषता यह है कि वह उचित समय पर किसी भी वस्तु की ठीक कीमत नहीं आंक सकता। वह अपने याचक की कदर नहीं करती, उसे अभाव में ईर्ष्या होती है। मैंने भी उससे घृणा की, प्यार का उत्तर घृणा से दिया, उसके प्रेम भरे हृदय को ठोकर लगाई। आज वह मेरी दुनिया से दूर चला गया है, मेरी आँखों से ओझल है, मेरे अधिकार से परे है, परंतु मैं उसकी याद में विकल होती हूँ। वह मुझसे दूर चला गया मगर उसकी याद उतनी ही मेरे निकट आ गई है। मैं कल्पना के सागर में डूबकर विरह के गीत गा रही हूँ। आज मैं अपनी घृणा का दंड छुपा रही हूँ। प्रकृति कितनी कठोर है, उसे मेरे आंसुओं पर भी दया नहीं आती। वह यह सोचती है कि मुझे भी तो उसके प्यार पर दया नहीं आई, तो यह क्यों मुझ पर दया करे। मगर वास्तव में उसे यह तुलना नहीं करनी चाहिए। मैं तो मूर्ख स्त्री हूँ जो आज अपने किए पर पश्चाताप कर रही हूँ, परंतु प्रकृति तो महान है, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वह तो मेरी तरह मूर्ख नहीं। अब मैं उससे क्या कहूँ, उसका भी इसमें क्या दोष है। अब उसका एक नया संसार है जिसमें वह प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं मनमाने अत्याचारों से उसे पीड़ित नहीं कर सकती। मैं सोचती थी वह सदा मेरा रहेगा, वह सदा मेरी प्रतीक्षा में इसी तरह खड़ा रहेगा, मैं उसके प्यार को उसी तरह ठुकराती रहूँगी। कितनी अज्ञान थी मैं, मानव प्रकृति से कितनी अनभिज्ञ थी। हाँ, यह मेरे मानस क्षितिज के उस पार छोटी सी दुनिया बनाकर सुख से रहता है और मैं उसी घर की प्राचीन दीवारों की दरारों से झांकने वाली उमा की आंखों को छाती में गड़ा कालक्षेप कर रही हूँ। मौन प्यार सदा भेंट जाता है और मैं आज इस प्यार की देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रही हूँ। आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तभी तो एक एक करके सब कुछ याद आ रहा है। प्राणी अंतिम समय पर अपने जीवन की पूर्ण पुस्तक पढ़कर जाना चाहता है और मेरा जीवन तो सदा से ही विरह की आग में जलता रहा है। संसार में किसी की किसी को क्या पड़ी है इस समय, जबकि मुझे एक सहारा चाहिए। केवल प्यार के चंद शब्द ही मेरे दिल को सहारा दे सकते हैं, परंतु मैं अकेली पड़ी अतीत के पन्ने उलट रही हूँ। कभी कभी जवानी में उससे कहा करती थी, मेरी मृत्यु के पश्चात एक सुंदर समाधि बनवाना जिसके ऊपर बैठकर थके मांदे पक्षी आराम कर सकें, प्रेम के गीत गा सकें, अपने मन की बातें कर सकें और कवि अपनी उत्कृष्ट कल्पना का निर्माण भी यहीं करें, चित्रकार अपने चित्रों का रूप निखार सके, कलाकार अपनी कला में प्यार का रस भर दे। मैंने कितने सुंदर सपने देखे थे। मैं सोचती हूँ यह सुंदर सपने प्रकृति क्यों तोड़ देती है, प्यार के सपनों को ही क्यों कुचला जाता है, प्यार के गीतों के स्वर ही क्यों टूटते हैं। मैं मर रही हूँ और अब मेरा स्वप्न पूरा करने वाला कोई भी तो पास नहीं। जीवन का सोनापन कितना भयंकर है,
जिसकी कल्पना से ही आत्मा कांप उठती है। शायद प्यार का अंत आंसुओं के सागर में डूबकर मरने से ही होता हो। मेरी मृत्यु से प्यार अमर हो जाएगा, यही मेरे लिए क्या कम है? मेरे पिछड़े हुए प्रीतम, मेरा पश्चाताप ही मेरे बेगुनाह होने का सबसे बड़ा सबूत है। मेरी मृत्यु मेरे अमर प्रेम की कथा कहेगी। कभी भूल से मुझे याद कर लेना, मैं संसार से जा रही हूँ इस आशा को साथ लेकर कि हम अगले जन्म में एक बार फिर मिलेंगे।